नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता विश्वकर्मा व्लॉग्स। मेरे चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए हेयर केयर टिप्स लेके आई हूँ जो आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए है ये, तो आप लेडीज़ और जेंट्स दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। जैसे कि जेंट्स एवरीडे हेयर अपना वॉश करते हैं, अपने बाल रोज़ धोते हैं, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको 10-15 दिन में ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। और लेडीज़ हफ्ते में 3 बार तो ज़रूर अपने हेयर वॉश करती है, तो आपको 1 मंथ तो लगेगा इस रिज़ल्ट के लिए। जैसे कि दो मुँह में बाल आना, स्कैल्प पे इचिंग होना, काफ़ी इचिंग हो रहा है, कभी कभी स्कैल्प पे भी फोड़ीस वगैरह, पिंपल्स टाइप जैसे कुछ होते हैं, डैंड्रफ बहुत सारे होते हैं, तो उन सब का ये तोड़ है। पर आपको यूज़ करेंगे तो ही आपको रिज़ल्ट आएगा, नहीं यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो पहले आप यूज़ कीजिएगा, उसके बाद फिर आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा ये रिज़ल्ट आया। इससे आपके हेयर सिल्क एंड शाइनिंग भी हो जाएंगे, आपके हेयर ग्रोथ भी हो जाएंगे, और स्कैल्प की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी गंदगी जमा होती है, उसे भी ये रिमूव करने का अच्छे से काम करता है। तो चलिए हम लोग वो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो की, मैंने उसमें क्या क्या मतलब इन सारी चीज़ों का क्या तोड़ है, तो इन सब सारी चीज़ों का क्या तोड़ है मैं आप लोगों से आगे शेयर की हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, हेयर केयर, स्किन केयर, हेल्थ केयर, जो भी हैं वो सारी चीज़ें जेन्युइन रिव्यू होता है। पहले मैं अपने ऊपर खुद ट्राई करती हूँ, खुद पहले यूज़ करती हूँ, उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ, जिसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो और थोड़ी टिप्सफुल और यूज़फुल लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि मैंने उसे कैसे बनाया है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें लगी हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये वही है शैम्पू में, मैंने इसे बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड की है, बहुत सारी नहीं, 3 चीज़ें मैंने ऐड की है, आप देख सकते हैं, काफ़ी मतलब नेचुरल रहे, और इसमें कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया है। शैम्पू पे आप जो भी यूज़ करेंगे वो हर्बल होना चाहिए, हर्बल शैम्पू आपके लिए, आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें काफ़ी कुछ आपको चीज़ें ऐड की हूँ जो हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, तो आप एंड तक ज़रूर बने रहना। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, और यहाँ पे ये शैम्पू है जो मैं एलिमेंट्स वेलनेस का कंप्लीट केयर शैम्पू यूज़ करती हूँ अपने हेयर के लिए। तो इसमें कंप्लीट केयर जो नॉर्मल हेयर के लिए होता है, आपके हेयर को हेल्थी रखने के लिए आप कंप्लीट केयर शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे डैंड्रफ के लिए भी अलग शैम्पू है एलिमेंट्स वेलनेस का, एंटी डैंड्रफ का, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको डैंड्रफ है तो। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इस शैम्पू का, और इसका रिव्यू मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया है, तो आप मेरा इस शैम्पू का रिव्यू आप जाके देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हैं। और मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ आंवला पाउडर। जी हाँ, आंवला पाउडर हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, और हमारे हेयर के लिए भी विटामिन सी की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच आंवला पाउडर लिया है, और यहाँ पे 1.5 चम्मच मैंने नीम पाउडर लिया। जी हाँ, नीम पाउडर हमारे फेस के लिए भी अच्छा है, तो वैसे हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। हेयर की जो स्कैल्प जो जड़ें होती हैं वहाँ पे कभी कभी कभार कुछ पिंपल्स वगैरह या डैंड्रफ वगैरह होते हैं, इचिंग ज़्यादा होती है उसके लिए। और मैंने यहाँ पर लिया है कलौंजी का पाउडर, मीन्स मैंने कलौंजी को पीस के स्टोर करके रखा है, तो मैंने 1.5 चम्मच उसे लिया है, जिसे अनियन सीड बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने लास्ट में जो स्पून से ऐड किया है वो है विटामिन ई की गोली कैप्सूल, सॉरी विटामिन ई का कैप्सूल है, जो मैंने 1 यूज़ किया है। अगर आपके हेयर और लंबे हैं तो आप 2 यूज़ कीजिएगा। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, तो इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे थिक ही रखेंगे, ज़्यादा पतला नहीं हम करेंगे, क्योंकि हमें इसे बालों में लगा के रखना है, इसके लिए हम थिक थोड़ा बनाएंगे इसे। और ये सारे मतलब हमारे हेयर के सारे प्रॉब्लम की सलूशन है, आपके हेयर लॉन्ग नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा झड़ रहे हैं, या फिर ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है, ज़्यादा इचिंग हो रहा है बालों में, ज़्यादा खुजली हो रहा है, रूसी ज़्यादा हो गया है,
तो आप यहाँ पे लेमन भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है तो इसके लिए मैंने लेमन ऐड नहीं किया है। आप चाहे तो लेमन भी ऐड कर सकते हैं, पूरा आधा लेमन आप ऐड कीजिएगा अगर आपको करना होगा तो। हमारे बालों का ये प्रॉब्लम का सलूशन है ये, और देख सकते हैं आप मैंने इसे इतना ही ठीक रखा है, मैंने ज़्यादा इसे पतला नहीं किया है। तो पहले तो मैंने हेयर में नाइट में मैंने ऑयल लगाया था, तो आप इसे ऑयल पे भी लगा सकते हैं। अगर आपने ऑयल नहीं लगाया कोई बात नहीं है, आप नेक्स्ट डे आप जिस दिन आपको वॉश करना है हेयर आप उस दिन लगा सकते हैं, तो आप इसे ऑयल पे भी लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप देख सकते हैं कितना नेचुरल है, इसमें कोई चीज़ें ऐसे ब्लैक वाली मैंने चीज़ें ऐड नहीं की है, बट इससे हेयर ब्लैक नहीं होंगे, पर बालों की जो भी समस्या है वो सारी दूर हो जाएगी, हेयर ब्लैक नहीं होंगे, मैं अभी मेंशन कर देती हूँ। तो इस तरीके से हम इसे अपने बालों की जड़ों में अप्लाई करेंगे अच्छे से। तो अच्छे से अप्लाई कर लेंगे अपने हेयर पे मैं, और मैंने इसे थोड़ा इसे स्पीड में किया है, तो अच्छे पूरे हेयर में हम अप्लाई कर लेंगे, हेयर के बालों के जो ऊपर का है पर्थ वहाँ पे भी हम अप्लाई कर लेंगे पूरे हेयर पे। आपको ये वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल और टिप्सफुल लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और इसे हफ्ते में 3 बार आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, 3 बार नहीं तो आप 2 बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इसे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। और इस तरीके से हम मसाज करते करते हम इसे अप्लाई करेंगे अच्छे से। और ये अच्छे से अप्लाई हो चुका है, और इसे कम से कम 10 मिनट रखना है, आप चाहे तो इसे आधा घंटा भी रख सकते हैं अगर आपका शैम्पू हर्बल है तो।